मंदिरों की नगरी पुष्कर के श्री रमा बैकुंठ दिव्य देश नए मंदिर व श्रीनाथ रंगनाथ वेणुगोपाल पुराने रंगजी मंदिर में बुधवार से सावन के झूले शुरू हो गए। नए रंगजी मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि 16 दिवसीय झूला महोत्सव के पहले दिन शीश महल के कपाट खोले गए तथा महल में भगवान वेंकटेश के विवाह उत्सव में उनके सामने गोदम्बा जी का रत्न आभूषणों से श्रृंगार कर मनमोहक हिंडोला सजाया गया। झूला मंडप में एक और दधि मंथन भोलेनाथ एवं राधा कृष्ण रास की विद्युत चलित झांकी सजाई गई। वहीं दूसरी ओर पुष्कर तीर्थ की बसावट को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा भजन मंडली ने सावन के झूलों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति देकर दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले दिन ही भगवान को झूला देने व दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का देर रात तक तांता लगा रहा। बताया गया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर के शीश महल में भगवान का रत्न जनित आभूषणों से श्रृंगार कर हिंडोले सजाए जाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ का मंदिर है जो विष्णु भगवान के रूप में है और अभी जो भगवान का झूला महोत्सव है जो श्रावण मास में प्रतिवर्ष चलता है और ये जो झूला उत्सव है वो जब से मंदिर बना तब से आज 100 साल हो जाएंगे, कंप्लीट हो गए हैं 24 मई को। 100 साल से ये उत्सव झूला महोत्सव भी चल रहा है जो भगवान कृष्ण पे आधारित सभी लीलाएं प्रदर्शित की जाती है और भक्तों को दर्शन नए नए स्वरूप में भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। और ये झूला महोत्सव जो है तारीख फिक्स नहीं होती है, इसमें तिथि होती है छोटी तीज से बड़ी तीज, लेकिन इस बार 15 दिन की बजाय 16 दिन के झूले हैं, एक झूला बड़ा है और झांकियां वगैरह जो है उन लोगों ने कंप्लीट तैयार करके और आज से 7 अगस्त से प्रारंभ हो गए जो 22 अगस्त तक चलेंगे। और इसमें जो बड़ा झूला होता है एकादशी को वो 16 तारीख को है और जो झांकियां जो आप देख रहे हैं अभी ये विद्युत चलित झांकियाँ हैं वो भी एक से एक बढ़कर हैं। और अब जो है एकादशी के आसपास से लेकर के 5-7 दिन के लिए जीवंत झांकियां भी सजाई जाएगी जो जसवंतगढ़ के कलाकार आएंगे और झांकियां अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन करवाएंगे। उनको हमने बुलाया है और कोशिश यही करते हैं कि भक्तों को अच्छे से अच्छे दर्शन हो और अंदर मंदिर में जो झूला मंडप उत्सव मंडप है उसमें भी नित्य नवीन श्रृंगार हमारे पुजारियों द्वारा किया जाएगा और हर दिन नए स्वरूप में भगवान को भक्तों को दर्शन करवाए जाएंगे।